नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुदरत का कहर टूट गया है, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सिक्किम में फटा बादल, 14 लोगों की मौत, 22 आर्मी के जवान लापता हो गए हैं। बता दें कि 22 जवान के अलावा अन्य लोग भी लापता हैं, 108 लोग लापता होने की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बुधवार को आई इस भयानक बाढ़ के कारण 14 पुल ढह गए हैं। ऐसे में सेना ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। राहत की बात यह है कि बचाव कार्यों से भी राहत की खबरें आने लगी हैं। सेना के मुताबिक सेना का जवान मिल गया है जिसका उपचार चल रहा है। जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगटोक के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महेंद्र छेत्री ने कहा, गोलीटर और सिंगतम क्षेत्र से 5 शव बरामद हुए हैं। मृतकों में से 3 उत्तरी बंगाल में बह गए हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सेना के जवानों के अलावा 80 से ज्यादा नागरिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 45 लोगों को बचा लिया है जिनमें से 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी 3000 से ज्यादा पर्यटक दोस्तों फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिक्किम में बादल फटने से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम में रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई बाढ़ की स्थिति चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण और बदतर हो गई है। सिक्किम के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए 3000 से अधिक पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं और 14 इसमें पुल ढह गए हैं, जिनमें से 9 पुल सीमा सड़क संगठन के अधीन हैं जबकि 5 राज्य सरकार के अधीन हैं। उधर दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीधे संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है। केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने भी दोस्तों दुख प्रकट किया है क्योंकि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं जिसमें 22 आर्मी के जवान हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिक्किम के अंदर हालात बेकाबू हैं। अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ये सीधा नजारा आप देख सकते हैं जहां चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी दोस्तों से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।